दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। साल 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ऐतिहासिक मैच। रिकी पॉन्टिंग की 140 रनों की ऐतिहासिक पारी ने भारत से 20 साल बाद वापस आए मौके को छीन लिया। उस मैच के बाद ऐसी बहुत सी बातें कानों से गुजरी कि पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग था। खैर, इन बातों के साथ साथ 4 साल बीते और 2007 का विश्व कप फिर से आ गया। इंडियन टीम टूर्नामेंट में उतरी और हार कर पहले ही राउंड में बाहर हो गई। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही इंडिया और पाकिस्तान के बाहर होने के बाद करोड़ों लोगों का इससे मोहभंग हो गया था। खैर, 28 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से फाइनल में था। फाइनल था श्रीलंका के साथ। लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियन टीम का फिर से वही काल रूप दिखा। उन्होंने श्रीलंका को बुरी तरह से रौंद दिया। इस बार ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक थे सम्मानजनक एडम गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने बारिश के बीच इस मैच में 38 ओवर में 4 विकेट खोकर 281 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने कोशिश तो की, लेकिन 36 ओवर में सिर्फ 215 रन ही बना सकी। 53 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीत की हैट्रिक लगा दी। गिलक्रिस्ट ने उस मुकाबले में 149 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन शतक पूरा करते ही लाखों क्रिकेट फैंस की नजर में वो विलन भी बन गए। दरअसल गिलक्रिस्ट ने शतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले और गेंद के अलावा अपना ग्लव्स भी दिखाया। इस ग्लव्स में कोई मोटी सी चीज छुपी दिख रही थी। इस लम्हे को संगकारा भी देख रहे थे, श्रीलंकन भी देख रहे थे, मैदान पर मौजूद दर्शक भी देख रहे थे और टीवी पर मैच देख रहे दुनिया भर के फैंस भी। विश्व कप जीतने के बाद गिलक्रिस्ट ने खुद आकर बताया, मैंने अपने ग्लव्स के अंदर एक स्क्वाश की बॉल छुपा रखी थी जिससे बल्ले की ग्रिप मजबूत हो सके। क्रिकेट में ये कोई नई तकनीक नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत से लोग इसे मैच में इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल गिली को ये ट्रिक उनके बैटिंग कोच बॉब म्यूलोमेन ने सिखाई थी। उन्होंने भी इस घटना के बाद सामने आकर कहा था, मैंने गिली के साथ 12-13 साल तक नेट्स में स्क्वाश बॉल के साथ प्रैक्टिस की है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल मैच में अब जाकर किया है। गिलक्रिस्ट ने बाद में आईसीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस तकनीक के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा था, मैं पर्थ में बल्लेबाजी कोच की सलाह पर इस छोटे उपकरण का उपयोग कर रहा हूं। अक्सर वो मुझे इस स्क्वैश गेंद को अपने बैटिंग ग्लव्स के नीचे रखने के लिए देते हैं। मेरे कोच ने मुझे बताया कि इसका इस्तेमाल करते वक्त बाएं हाथ की आखिरी की 2 या 3 उंगलियों से बल्ले की ग्रिप को ज्यादा जोर देकर नहीं पकड़ना होता। हालांकि इस घटना के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट ने आईसीसी से इस बारे में शिकायत भी की। श्रीलंकाई क्रिकेट ने तब कहा था, उन्होंने यानी गिलक्रिस्ट ने क्रिकेट की स्पिरिट और परंपरा को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी ने श्रीलंका की शिकायत को सिरे से ये कहते हुए नकार दिया था, गिलक्रिस्ट ने क्रिकेट के नियम और स्पिरिट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस घटना के बाद खूब हल्ला भी हुआ, लेकिन क्रिकेट की नियम बनाने वाली एमसीसी संस्था ने और जो उसकी मोटी किताब है नियमों वाली, उसमें सिरे कोई भी नियम नहीं था, ये बात सामने आई थी। तो गिलक्रिस्ट बाइज्जत इस आरोप से बरी हो गए। आप ऐसे तमाम किस्से देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।